इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ए और बी, और दोनों की जो प्राइस है वो क्या है, सेम है। लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विल बी अचीव्ड, कहाँ पे अचीव्ड होगा, लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन वेयर द आइसो क्वांट हैज स्लोप इक्वल, यानी किस आइसो क्वांट के किस स्लोप पे लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन अचीव होगा, जबकि ये दिया गया है कि दोनों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस सेम है। तो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन के केस में जो हमारे पास आइसो क्वांट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आइसो क्वांट ये हमारा आइसो क्वांट हो गया, ये हमारा आइसो कास्ट हो गया। यहाँ पे कैपिटल है और ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, यहाँ पे लेबर है और ये डब्ल्यू बेस पे अवेलेबल है। यही हमारा लिस्ट कास्ट कम्बिनेशन का पॉइंट होता है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि लिस्ट कास्ट कम्बिनेशन के केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल वो इक्वल होता है माइनस डी के बाई डी एल के, और वो इक्वल हो जाता है आइसो कास्ट के स्लोप के इक्वल। यहाँ पे जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो प्राइस है सेम है, यानी जो W है वो R के इक्वल है। माइनस तो माइनस डी के बाई डी एल इक्वल W बाई R, यही हमारा स्लोप है। तो माइनस डी के बाई डी एल इक्वल W बाई W, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड से माइनस से हम अगर डिवाइड करें तो डी के बाई डी एल इक्वल माइनस वन, यही हमारा आइसो क्वांट का स्लोप हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री साइन जो है वो पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन का उल्टा कोसेक, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट, ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी साइन नेगेटिव होता है। तो ये 180 माइनस थीटा है, यानी यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी टेन थीटा की, जो टेन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास आइसो क्वांट के स्लोप हो जाएगा, क्योंकि वो टेंजेंट है आइसो कास्ट के साथ। तो यहाँ पे टेन 180 माइनस थीटा इक्वल एल्टीट्यूड बाई बेस डब्ल्यू, यानी टेन 180 माइनस थीटा इक्वल, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस बस पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री साइन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। यानी टेन 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा इक्वल आर बाई आर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जो आर है वो डब्ल्यू के इक्वल है। दोनों प्राइसेस जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उनकी प्राइसेस सेम है, तो इसलिए दोनों कट जाएगा। यानी दोनों साइड्स में माइनस से डिवाइड करने पे यानी टेन थीटा इक्वल माइनस वन,
यही हमारे आइसोक्रोन का स्लोप हो जाएगा, इसलिए आंसर -1 करेक्ट है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब मिल सकता है आपको।